फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भरवा बैंगन। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक एंड हल्दी, अदरक का पेस्ट, जीरा भुना हुआ, सौंफ भुनकर इसे मैंने मान दस्ताने में कूट लिया है, दोनों को, जीरे के और सौंफ को। और हमें ऑयल चाहिए और हमें चाहिए बैंगन। बैंगन आप ब्लैक भी ले सकते हो, काले भी, और हरे वाले भी, छोटे वाले अच्छे होते हैं। और इसमें मैंने हरे लिए हैं, इन्हें धोकर मैंने चार भागों में काट लिया है। और अमचूर इसमें बहुत महीन है, अगर अमचूर ना हो आपके पास तो आप नींबू भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को पीस भी सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक प्लेट लेकर उसमें हम मिक्स कर लेंगे। प्लेट्स में हमें मिक्स करना है इन सबको। और आप इन इंग्रेडिएंट्स को अपने बैंगन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, मैंने एक ये प्लेट ले लिया है। यहाँ मैंने लिया है हींग। हींग है जो, वो ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी, बट हींग अच्छा होता है पाचन क्रिया के लिए। और यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला। अब इन सभी को मैं मिक्स करूँगी। इसमें मैं पहले थोड़ा ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के मैं इन सबको मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पूरे इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया है। अब वन बाय वन हम इसमें भरते जाएंगे। हम ऐसे करके ये वन बाय वन पूरे बैगन पे भर देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसमें भर भर के रखते जा रही हूँ। हम पूरे बैगन में इस तरीके से मसाले को फिल करके साइड में रखते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे हो गए हैं, बैंगन मैंने भर लिया है इससे अच्छे तरीके से। पूरे बैंगन को मैंने अच्छे से भर लिया है। ये मेरे पास कुछ मसाला बच गया है, उसको मैं ऊपर से डाल दूँगी। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उस कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी। ये वन बाय वन मैंने बैंगन डाल दिया जी। ऐसे करके पूरे बैंगन हमें सेट कर देने हैं कढ़ाई में। जो मसाला था, मैंने मसाले को भी ऊपर से डाल दिया है। ये पूरे बैगन साइड कर दिए हैं। अब आप इसे ढक दीजिए। 10 मिनट के बाद ये ऐसा हो गया है। अब हम इसे पलटा देंगे धीरे धीरे। मैंने पूरे बैगन को पलटा दिया है। अब इसे हम फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक कर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैंगन का भरवा तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन पे निकाल लेंगे।